हेलो जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है मेरे नए कलकत्ता ब्लॉग सीरीज के अंदर। आप ये बाली ब्रिज का दृश्य देख रहे हो और उसके आगे दक्षिणेश्वर माँ काली का मंदिर है। इस मंदिर की भव्यता बहुत ही सुंदर है। मैं जब यहाँ गया था, मतलब मैं तो देखते ही दंग रह गया था कि इतना भव्य, इतना सुंदर मंदिर बनाया है माँ काली का भव्य रूप। और इसके बाद हम वहाँ से मेट्रो पकड़ के गए मैदान के अंदर, विक्टोरिया मेमोरियल है। विक्टोरिया मेमोरियल पहले देखा, लेकिन उसका शूट बाद में मैं अपलोड किया हूँ। यहाँ से फिर हम गए अलीपुर जू के अंदर। अलीपुर जू देखने में बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है। बहुत बड़ा जू है, सभी प्रकार के यहाँ पर आपको जानवर पक्षी मिल जाएंगे देखने को। और बोलेंगे सर 2 से 3 घंटा लगता है आपको घूमने में। तो हमने वहाँ से पहले मैदान से मेट्रो से फिर हमने बस में, ज़्यादा भाड़ा नहीं है, 5 या 10-20 रुपए का भाड़ा है, आपको अलीपुर जू उतार देंगे। अलीपुर जू का टिकट लेकर हम वहाँ पहुँच चुके हैं। अलीपुर जू के अंदर हमारे सबसे पहले मेहमान हमको मिले भालू जी से। हम एक्चुअली मैं यहाँ पर 3-4 बार पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इस बार जब भैया की शादी में गया था, वो वाला जो सूट है मैं आपको बताऊँगा कलकत्ता की कैसे शादीज होती है। तो हमने जू घूमे बहुत, उसके बाद हमने वहाँ पर बहुत इन्जॉय करने के बाद हमने भाई सोचा चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमें मिले हिरन्स, बहुत ही सुंदर दृश्य था इनका। इतना इनको मतलब मन लुभाने वाला था कि इनको 10 मिनट खड़े होकर देखें। और फिर हमारे सामने आए जिसका इंतज़ार था, बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर। मतलब इसको देखने के लिए जू में सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है। मतलब कोई भी कहीं से अगर रॉयल बंगाल टाइगर को नहीं देखा तो उसका जू आना ही मतलब पूरा मकसद नहीं होता है। बाकी इसमें सांप की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, हाथी से लेकर आपको जिराफ से लेकर कंगारू और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिर वो देखने के बाद हम पहुँचे विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि कलकत्ता का सबसे फेमस स्पॉट्स माना जाता है एज अ टूरिस्ट। लेकिन इसको मोदी सरकार के आने के बाद इतना रखरखाव किया गया, इसको अब नेताजी मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी मेमोरियल की एक्चुअली इसमें जो भी पहले के जो अंग्रेज़ों के शासन के टाइम के जो चीज़ें थी, उसमें दिखाया जा रहा था कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से हमारे ऊपर राज किया, क्या किया, उन सबको हटाकर, सबसे बड़ी बात है हटाना जरूरी, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी आने वाली है वो क्या सीखेगी नेताजी के बारे में जो चीज़ जान, क्योंकि बंगाल मतलब नेताजी मतलब हमारा जो सिद्धांत है बंगालियों का, माने नेताजी होलो एकटा मोनेर विश्वास, नेताजी होलो एकटा आदर्श। नेताजी सुभाष जे सुभाष चंद्र बोस जे माने एकटा एत बड़ो लीडर, माने ताके जब बोला जाए नहीं एत बड़ो लीडर। तारपर ताइर जोन्नो ऐ जे म्यूजियमटा तैरी करा होचे मोदीर अनेक अनेक धन्यवाद। और एत सुंदर म्यूजियमटाके रखरखाव करछे, क्यों मतलब उसको आप जब तक देखोगे नहीं विश्वास नहीं करोगे। वीडियोग्राफी के द्वारा पूरा बताया गया है कि किस तरीके से नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की गठन की थी, उनको मारने का कैसे ऑर्डर प्राप्त हुआ। तो वहाँ उस टाइम भी जो सत्ताधारी थे उन्होंने तो बिल्कुल भी मतलब सपोर्ट नहीं किया था। नेताजी ने कितने लोगों की हेल्प से, कहाँ कहाँ से उस चीज़ को किया, देश को आज़ादी दिलाने में नेताजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन वो कहीं गुम हो चुके थे। लेकिन इस मेमोरियल के रखरखाव के बाद उनके हर एक चीज़ों को, उनकी ड्रेस से लेकर, उनकी पिस्तौल से लेकर, उनके कुछ खत से लेकर, सब कुछ उसमें रखा गया है। तो आप जाइए उसे देखिए, बहुत ही अच्छा मेमोरियल का जो दृश्य है बहुत ही प्यारा है। माने बंगाली होलो अगर बंगाली यदि विक्टोरिया यदि नहीं जाए ताहले कुनो लाभ, कोलकाता जाबे माने विक्टोरिया तुम्हें जेते ही होबे, एतो सुंदर आकर्षणीय दृश्य। तारपरे आमरा चले गेली हावड़ा थेके घर। एरपरे जे ब्लॉगटा आसबे बियेतेर, जे आमादेर जे दादार बियेते गेछिली, यानी मेरे जो बड़े भैया का जो शादी का है, तो इसके बाद की मैं आपको बताऊंगा कलकत्ता कल्चर के अंदर शादी के बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है वो। मतलब आप शादी को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार एक बार कलकत्ता जाना है। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।